हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ हेयर एसेसरी का, जो बहुत अच्छा हॉल है। आई थिंक 50-60 रुपए में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर करना क्या है, आप लोगों को मेरे वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो में आपके लिए और लेके आ सकूँ। और ये सब ऑर्डर आप पाने के लिए मेरे के साथ जुड़े रहिए। मैं यूट्यूब पे अपडेट देती रहती हूँ, शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो लिंक के लिए। वैसे मैं लिंक वगैरह सब कुछ दे दूंगी, जो जो प्रोडक्ट स्टॉक में होगा मैं आपको सबके लिंक दे दूंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सब मैं पहले साइड में रख देती हूँ। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट और इतने कम कम प्राइस में आप लोगों को मिलेंगे, तो आप इनको जरूर ट्राई कीजिए। तो सबसे पहले वाला ये वाला प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मतलब इस टाइम बहुत ज्यादा टीआरआर बहुत ज्यादा चल रहे हैं, तो इतने कम प्राइस में मुझे 2 टीआरआर मिले हैं। साइड में इमेज आप देख लेना किस तरह का ये इमेज में और कितने कम प्राइस में मुझे रिसीव हुआ है। हालांकि मुझे प्राइस वगैरह इनकी याद नहीं है, पर आप ये देखिए कितना सुंदर टीआरआर और इसके शाइन देखिए आप, कितनी सुंदर इसकी शाइन आप देख सकते हो। नीचे से आप इसको पिन करके अपने हेयर पे कैसे भी इसको एडजस्ट कर सकते हो, कैसे भी आप इसको लगा सकते हो। तो ये तो इसमें फर्स्ट कलर का, सेकंड कलर ये रेड वाला है, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर है। दोनों टीआरआर बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है आजकल इनका, तो आप इनको किसी भी तरह से लगा सकते हो। जैसे ये वाला था, ये दोनों साइड से सेम था, ये वाला थोड़ा अलग है, तो इसको आप साइड में कुछ इस तरह से इसको लगा सकते हो। बहुत सुंदर है ये और इतने कम प्राइस में मिले हैं, तो दोनों काफी अच्छे हैं, मुझे काफी अच्छे लगे हैं। तो आप देख लेना अगर आप लोगों को परचेज करना हो तो, ये काफी अच्छा है। और वैसे भी आप इनको हेयर में यूज करने के बाद भी मल्टीपर्स यूज कर सकते हो, अपने ड्रेस के इसको यूज कर सकते हो, अपने सैंडल वगैरह के इसके यूज कर सकते हो, पर्स पे इसको यूज कर सकते हो पैचेस की तरह। तो ये काफी अच्छा था और कुछ अच्छी खासी पैकेजिंग मुझे ये रिसीव हुआ है, तो ये वाला तो काफी अच्छा मुझे लगा है। सेकेंड वाला मेरा ये वाला था, ये रोजेस थे, ये भी बहुत ज्यादा सस्ते, आई थिंक 50-60 रुपए में मुझे मिले थे। तो ये कुछ रोजेस के 4 रोजेस मुझे, 3 है एक्चुअली, 3 रोजेस मुझे वहां मिले थे। बिल्कुल ये रियल गुलाब के जैसे लगते हैं, आप इनको देखिए ऐसे लगता है ये सुबह के तोड़े हुए गुलाब है जो थोड़े से मुरझा गए हैं, तो ये रियल गुलाब की तरह लगते हैं। और इनको आप कैसे भी स्टाई कर सकते हो, आप इनको देख से बालों में कैसे भी लगा सकते हो, तो ये वाला प्रोडक्ट काफी अच्छा रिसीव हुआ है मुझे। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, नेक्स्ट ये वाला था, इसकी तो शायद प्राइस भी आई थिंक 49 में मुझे ये पड़ी थी, तो 49 में ये केपर काफी सुंदर है, पैक ऑफ 10 है, तो ये भी काफी अच्छी है 49 के हिसाब से। और कितनी क्यूट क्यूट इसमें ड्रेसिंग है, आप इसको अपने बेबी गर्ल के आराम से यूज कर सकते हो, साथ ही ड्रेसिंग अलग और काफी सुंदर है, काफी अट्रैक्टिव है। मैं खोल के भी इसको बता देती हूँ एक बार, ये आप देखिए इसको खोलने के बाद ये कुछ इस तरह की है, आप इसको आराम से कहीं पे भी यूज कर सकते हो, हेयर में आराम से आपकी बेबी के काम आ जाएगा। 49 का मुझे अच्छे से याद है, शायद 49 का ही था, तो ये वाला भी काफी अच्छा है। एंड देन नेक्स्ट वाला प्रोडक्ट कुछ ये वाला था, इसको मैंने रिटर्न करने की बहुत कोशिश की पर ये रिटर्न हुआ नहीं है। इसकी प्राइस 60-70 रुपए में थी और ये बेसिकली क्लिप थी, ये आप ऐसे देखिए इसको रिटर्न अब आपको क्यों करी थी, काफी अच्छी है इतने कम प्राइस में, क्योंकि मुझे ये एक टूटा हुआ रिसीव हुआ था, इस वजह से मैं इनको रिटर्न कर रही थी। और ये मुझे पैक ऑफ 6 मिले थे, आई थिंक 60 या 70 रुपए के पैक ऑफ 6 मिले थे, तो ये टूटा हुआ था इस वजह से मैं इसको रिटर्न कर रही थी, बट ये रिटर्न हुआ नहीं, तो मुझे ये रह गया मेरे पास ही। पर ये काफी अच्छी है, अगर आप हेयर को स्ट्रेट करते हो या कर्ल करते हो या कुछ भी करते हो, उसके लिए बालों को टक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, उसके लिए काफी अच्छे से यूज आती है। वैसे भी अगर आप चाहो तो बालों में भी नॉर्मली भी इसको यूज कर सकते हो। ये वाला टूटा हुआ रिसीव हुआ था, इस वजह से इसको मैं कर देती हूँ साइड में। एंड नेक्स्ट मेरा ये वाला था, इसकी एक जो बटरफ्लाई वो मैं यूज कर रही हूँ और मैं काफी टाइम से उसको यूज कर रही हूँ, ये भी आई थिंक 60 रुपए का पैक पड़ा था मुझे और मैं काफी टाइम से उसको यूज कर रही हूँ, वो अभी भी ऐसे कैसे है, उसका ना कलर गया है,
क्वालिटी भी आपको वीडियो में इसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लग रही होगी, बट इसको अगर आप टच करके देखे तो वेलवेटी फिनिश इसमें लगता है, काफी सुंदर है और ये खोलने में बंद करने में काफी अच्छा है। कोरियन वाले क्लिप्स है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं कोरियन प्रोडक्ट इस टाइम, तो कोरियन जो आप देखते हो हेयर स्टाइल में उसमें ये वाली बटरफ्लाई बहुत ज्यादा यूज होती है। तो मुझे 5 कलर ये रिसीव हुआ था, 1 मैं यूज कर रही हूँ इसलिए ये अभी आप 4 दिख रहे हैं, पर बहुत अच्छी है ये वाली भी, तो ये भी मुझे काफी अच्छी लगी है। इसका भी मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। एंड नेक्स्ट ये फ्लिपकार्ट से मंगवाया था मैंने, ये भी बेसिकली क्लिप ही थी, 4 का सेट था मुझे और शायद मुझे 20 रुपीज की पड़ी थी, जूड़ा क्लिप है ये भी। मैं इसको खोल के दिखा देती हूँ, जिनको बहुत ज्यादा ताम झाम नहीं पसंद वो छोटा सा कुछ ऐसा चाहिए अगर अपने हेयर में लगाना चाहते हैं उनके लिए काफी अच्छा है ये आप देखिए। पर इनकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा कम है, मैं उस टाइम ये 2 ऑर्डर कर देती तो ये थोड़ी सी ज्यादा मिल जाती है, बहुत ज्यादा कम है इसकी क्वांटिटी, तो ये मुझे और खरीदना पड़ेगा तभी ये काम आ सकता है। पर इसकी फिनिशिंग आप देखिए, इसका लुक देखिए काफी सुंदर है, तो ये काफी अच्छी है। ये तो सॉफ्टी पे तो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, सॉफ्टी का तो मैं नहीं दे पाऊंगी लिंक क्योंकि सॉफ्टी पे प्रोडक्ट दोबारा शो ही नहीं होता एक बार दिखाने के बाद। एंड नेक्स्ट ये वाला है, ये मैंने अपनी गुड़िया के बर्थडे पे पहनाने के लिए मंगवाया था, ये बर्थडे का बैनर है साइड में आपने इमेज देख लेना, और ये क्राउन है बर्थडे वाला, इसकी फिनिशिंग काफी ज्यादा अच्छी इस क्राउन की, इसमें एडी वाले डायमंड लगे हुए हैं आप देखिए, बहुत सुंदर क्राउन है। इसको एक बार यूज कर लिया, दूसरी बार यूज करने के लिए भी अभी भी, और काफी टाइम से मेरे पास रखा हुआ है। इसकी फिनिशिंग वगैरह आप देख लीजिए ऐसे कैसे इसकी फिनिशिंग है, एडी वाली शायद एडी वाले डायमंड्स है जो काफी अच्छे हैं, आप इसको आराम से क्राउन की तरह यूज कर सकते हो, हेयरबैंड की तरह यूज कर सकते हो, कैसे भी यूज कर सकते हो, पर बहुत सुंदर है। और ये बर्थडे का बैनर है जो भी काफी अच्छा है, अगर आप लोग के बर्थडे का अभी कुछ फंक्शन है तो आप इसको जरूर से मंगवा के यूज कर सकते हो, काफी अच्छा था, मुझे भी काफी अच्छा लगा था ये, तो ये वाला भी काफी अच्छा है, इसको भी आप ट्राई कर लेना। एंड नेक्स्ट ये वाला था, ये इसमें 2-3 आइटम है बट बहुत ज्यादा मैसी हो रहा था तो मैंने सब कुछ इसमें ही डाल रखा है, मैं आपको 1 by 1 बता देती हूँ इसमें क्या क्या है। अच्छा ये जो बॉक्स था वो इस जूड़े का बॉक्स था, ये एक जूड़ा है, ये मुझे 60 रुपए में एक जूड़ा मिला है, कितना सुंदर जूड़ा है ये आप देख लीजिए, जिनको बहुत ज्यादा हैवी कुछ भी करना नहीं आता हेयर स्टाइल वो नॉर्मल सा जूड़ा बना के ये उसमें टक कर लीजिए, आराम से ये आपके लग जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसमें इलास्टिक लगा हुआ है जूड़े में डाली और आपका एक बहुत सुंदर सा बन तैयार हो जाएगा, तो ये भी काफी सुंदर है। ये वाला जूड़ा 60 रुपए का मुझे पड़ा है तो उसके प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा है, इसकी प्राइस अगर इसमें आजकल मीशो वाले प्राइस बहुत कम प्रोडक्ट के लिख के बेचते हैं, इस वजह से इसमें प्राइस है नहीं। एंड नेक्स्ट ये मैंने हेयर एक्सेसरी में बीच में ये एंकल लेंथ आ गई है, ये मुझे आई थिंक मैं प्राइस देख के बताती हूँ आपको, 56 रुपए की 2 पड़ी है तो उसके हिसाब से काफी अच्छी, 56 रुपए में 2 आपको एंकल लेंथ मिल रही है तो बहुत ज्यादा अच्छा है। ये मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी पर मुझे मिल नहीं रही थी, तो अब आज जाके मिली है, ये इसी सामान के साथ हो गई थी, तो ये भी काफी अच्छी है, इनका भी लिंक होगा तो मैं दे दूंगी। एंड ये वाले हेयर थे जो मैंने मंगवाए थे, एक्चुअली ये कर्ली हेयर थे बट मैंने इनको स्ट्रेट कर लिया था क्योंकि कर्ली हेयर मेरे बालों पे इतने ज्यादा सूट कर नहीं रहते, पर स्ट्रेट करने के बाद भी ये थोड़े से ठीक नहीं है, ये थोड़े से अजीब से हो गए हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, मैंने इनको वॉश करके स्ट्रेट किया था तो यहाँ से ये थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं, बाकी तो ये इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप इनको देख के कोई कह नहीं सकता कि ये आर्टिफिशियल है या सिंथेटिक है, ये ओरिजिनल हेयर जैसे ही लगते हैं, तो मुझे इनकी क्वालिटी काफी अच्छी लगी और इनको यूज करने का तरीका भी काफी अच्छा है, क्लिप को आप खोलो लगाओ खोलो लगाओ, तो ये काफी अच्छी चीज मुझे इसमें लगी है। तो इनमें वॉल्यूम भी काफी अच्छी है, बालों में आपके लेंथ अगर इतनी है तो आप इसको जरूर यूज करिए क्योंकि बालों में अच्छी खासी वॉल्यूम आ जाती है। अच्छा ये कंघी से कोम नहीं होती, इसके लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, बस इसमें यही नेगेटिव पॉइंट है, बाकी इसमें कोई भी वो नहीं है, जब मैंने मंगवाया था कर ली थे मैंने खुद से इसको स्ट्रेट कर लिया है, इस वजह से ये थोड़े से नीचे से ऐसे हो गए, बाकी ऊपर से आप इसकी देखिए बहुत अच्छा है।
तो ये भी काफी अच्छा, आप मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने मंगवा रखे हैं, आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्ट सबसे अच्छा लगा है प्लीज प्लीज कमेंट करके बताइएगा। लिंक सब कुछ दे दूंगी, फिर भी कोई लिंक रह जाए तो कमेंट करके पूछ लेना। और इतने कम प्राइस में मैं इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट कैसे मंगाती हूँ वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें मीशो में आज सेकेंड ऑप्शन चूज करके ऑनलाइन पेमेंट करने पे बहुत कम हो जाता है प्राइस प्रोडक्ट्स का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहिए, खुश रखिए, टेक केयर, बाय।